नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हम स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। जी हाँ, बिल्कुल सही टाइटल से आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के स्क्वाड्स एनालिसिस के बारे में। स्क्वॉश एनालिसिस, बड़ा ही बेहतरीन टर्म ये इजाद किया था हमारे कबड्डी के बेहतरीन मतलब एनालिस्ट सुनील तनेजा जी ने। उसी टर्म को हम भी यूज करना स्टार्ट करेंगे आज से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम इसको बोलेंगे स्क्वॉश एनालिसिस, जिसमें हम टीम्स के चैलेंजेस, मतलब आप बोल सकते हो कि क्या चुनौतियां होने वाली है उनके लिए, स्ट्रेंथ वीकनेस चैलेंजेस, इन तीनों चीजों पर हम यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे। 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। दोनों ही टीमों पे हम कम से कम आराम से मोस्ट पार्ट के लिए कवर करेंगे। और इस पूरे के पूरे एनालिसिस के लिए हमारे साथ आकाश भाई और पलाश भाई दोनों जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत पलाश भाई, आकाश भाई। जी जी शुक्रिया शुक्रिया अलमोल जी। अब जी हाँ, यहाँ पे हम कोई एक्सपर्ट एक्सपर्ट या फिर एंकर एंकर वाला सीन नहीं होने वाला है। हम तीनों यहाँ पे आपको मिलके, आप सभी को बहुत ही मिलके एनालिसिस करके बताएंगे। और हम तीनों एक दूसरे से सवाल पूछते रहेंगे और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी करते रहेंगे हमारे दर्शकों, ताकि आप लोग बोर ना हो 15 मिनट का वीडियो अगर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। फॉर्मेट में सिंपल है, सबसे पहले हम किसी चीज टीम की बात करेंगे तो सबसे पहले एस फॉर स्ट्रेंथ आएगा, उसके बाद वीकनेस आएगा, उसके बाद आएगा कि अपॉर्चुनिटीज, और फिर आएगा चैलेंजेस। यानी कि स्ट्रेंथ क्या है टीम की, यानी कि आपकी ताकत क्या है, वीकनेस यानी कमजोरी क्या है, उसके बाद मौके क्या क्या हो सकते हैं किसी टीम के लिए, और वीकनेस, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि चैलेंजेस चुनौतियां क्या हो सकती है। तो हम चारों चीजों पर काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम चेन्नई और गुजरात को आज लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि पहला ही मुकाबला 31 मार्च को देखने मिल जाएगा चेन्नई और गुजरात के बीच में। तो पलाश भाई, आकाश भाई, सबसे पहले एक बार फिर से मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ शो में, और फिर हम शुरू करेंगे चेन्नई के एनालिसिस के साथ। जी हाँ, तो चेन्नई का स्क्वाड अगर आकाश भाई आप हमारे लिए, दर्शकों के लिए पढ़ के बता दे। हम फोटोज में अब जूम कर सकते, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन डाल के हम फोटो अपलोड मारेंगे। चेन्नई और गुजरात दोनों का स्क्वाड का कोलाज रहेगा, तो आप दोनों ही स्पॉट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन हम एक बार दर्शकों के लिए आकाश भाई से विनती करते, एक बार आप स्क्वाड पढ़ दो, फिर हम दोनों तीनों मिलकर बढ़िया प्लेइंग 11 और इनसाइट देते हैं। सबसे पहले हम गुजरात टाइटंस का देख लेते हैं। हम स्क्वाड गुजरात टाइटंस की तरफ जाते हैं, गुजरात टाइटंस के स्क्वाड पर हम सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर नाम आता है जो ओपनर्स है, सलामी जोड़ी शुभमन गिल रिद्धिमान साहा, उसके अलावा मैथ्यू वेट, और उसके अलावा होने वाले है फिर बाद में किन विलियमसन। तो आगे हम पूरा स्क्वाड देखे तो यहाँ पर नूर अहमद, केएस भरत, और उसके अलावा विजय शंकर, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर, ऑडियन स्मिथ, एक इस बार बदलाव हुआ है, ऑडियन स्मिथ और केन विलियमसन को चुना है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या कप्तान, राशिद खान उप कप्तान, जयंत यादव और साई सुदर्शन और साई किशोर, दोनों ही तमिलनाडु से आते हैं और दोनों बेहतरीन प्रोमिनेंट एसेट है। चलिए, और यश दयाल, ये भी युवा खिलाड़ी, उसके अलावा मोहम्मद शमी है, दर्शन नालकंडे, जी हाँ दर्शन नालकंडे, मोहम्मद शमी, अलजारी जोसफ, शिवम मावी को इन्होंने एक भारी भरकम कीमत चुकाकर इन्होंने जो है शिवम मावी को खरीदा। मोहित शर्मा, ये एक तेज गेंदबाज, हालांकि अनुभवी है और अच्छा रिकॉर्ड भी है इनके नाम आईपीएल में। तो उसके अलावा यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं, लेकिन फिर भी जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं। हालांकि तो हम अपने शो के फॉर्मेट में के हिसाब से बात करेंगे पलाश भाई। सबसे पहले एक मैं कहना चाहूंगा, लॉकी फर्गसन को इन्होंने रिलीज किया, वो लॉकी फर्गसन एक बड़े खिलाड़ी समझ से बाहर था, समझ से बाहर था कि लॉकी फर्गसन को इन्होंने क्यों रिलीज किया। अल्जारी जोसफ एक नाम है जो हम भूल रहे हैं स्क्वाड में, जो है बताया वो अल्जारी जोसफ, बताया
हाँ राहुल तेवतिया भी बता दिया है हमने दर्शकों को। वैसे भी आप फोटो को एक बार वापस जूम करके देख लोगे तो आपको पूरा स्क्वाड मिल जाएगा। तो पहले हम स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पे आने से पहले एक प्लेइंग 11 बनाते हैं हम लोग तीनों मिलके गुजरात की। तो पहले मैच में सपोज अगेंस्ट चेन्नई, और वो भी अपने होम ग्राउंड में गुजरात खेल रहा है, अहमदाबाद की पिच पर से गुजरात टाइटंस, क्योंकि फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ उनके पास, पहला हालांकि पहला ही स्पिनर का भी मुकाबला, अच्छा है। पहला आगाज जो होने वाला है वो अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी हाँ, स्टेडियम से ही होने और वाला होम ग्राउंड में खेलेंगे, और सबसे बात मैं मतलब बोल रहा हूँ कि अगर स्ट्रेंथ वाइज देखें तो फास्ट बॉलर उनका ज्यादा और रिलेटिवली ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है। मुकाबला तो होने वाला है गुजरात के लिए भी है। हाँ मैं यही बोल रहा था, मेरे मेरे बात पे आने तो मतलब स्पीड उनकी, फास्ट बॉलर्स उनकी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, तो शायद शायद पिच भी फास्ट बॉलिंग को सूटेबल ऐसी बनाएगी अहमदाबाद में वो गुजरात टाइटन्स की टीम। उस हिसाब से अगर हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्लेइंग 11 बनाए तो आपके लिए फर्स्ट चॉइस ओपनर्स क्या रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल होने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो 100% शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए टीम की। मेरे ख्याल से भी। और हम एक बार प्लेइंग 11 बताते, फिर उसके वीकनेस उनकी क्या स्ट्रेंथ है ये भी देख हाँ लेंगे। वही वो सब बताएंगे ही हम, और फिर तो अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस सब बताएंगे, चुनौतियां मौके कमजोरी और रिद्धिमान ताकत जो क्या है। साहा, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल तो ओपन करेंगे ही, और उसके फिर उसके अलावा बाद आप केन नंबर विलियमसन तीन, कहेंगे। बिल्कुल केन विलियमसन को आप नंबर तीन पे, हार्दिक पांड्या को आप नंबर चार पे रखोगे, ये आपके टॉप चार हो ही गए कंफर्म आप बोल लीजिए, जिसमें आपके पास सिर्फ बिल्कुल टॉप। हाँ बिल्कुल। उसके पास उसके फिर अभी अलावा गाड़ी अटकती 5 और 6 पे है पलाश भाई। जी हाँ, वहां पे मैं फिट करूंगा डेविड मिलर, राहुल तेवतिया। डेविड मिलर तो कंफर्म फिट है 5 नंबर पे आपके लिए, डेविड मिलर का आप रिप्लेसमेंट ही नहीं है। ये 6 नंबर पे पहला आपके पास गाड़ी मुकाबला अटक जाती है। जी हाँ, लेकिन डेविड मिलर पहला मुकाबला शायद मिस करेंगे, क्योंकि साउथ क्योंकि अफ्रीका शुरुआत की ही कुछ सीरीज है। हाँ दो चार मुकाबले वो नहीं खेलेंगे। क्यों, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के दौरे पर है जो, इसलिए पहले हफ्ते में नहीं खेलने वाले साउथ पहले अफ्रीका वीक के। हाँ में डेविड मिलर नहीं खेलेंगे। ऐसे में प्लेइंग 11 में थोड़ा सा चेंजेस करना ही होगा। मैथ्यू वेट दिखते हैं या फिर केएस भरत। नहीं देखिए मैथ्यू वेट तो फिर आप अगर मैथ्यू वेट को लाओगे तो फिर आपको मैथ्यू वेट को ऊपर बल्लेबाजी या फिर आप करवा ही नहीं पाओगे, तो फिर मैथ्यू वेट के साथ आपको फिनिशिंग के साथ ही जाना पड़ेगा। तो आई थिंक मैथ्यू वेट ही खेलेंगे, और मुझे क्योंकि मैथ्यू वेट ही खेलेंगे क्योंकि देखिए अगर हम सटल कॉम्बिनेशन देखें तो मैथ्यू वेट ऑस्ट्रेलिया के लिए फिनिशिंग करते रहे हैं, लगातार की है उन्होंने फिनिशिंग। मुझे लगता है कि मैथ्यू वेट को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि डेविड मिलर अनअवेलेबल है, तो अब मौका बनता है गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ के पास, और ऑडियन स्मिथ हाँ और जो आशिक बैटिंग खान। भी आपने बोला बिल्कुल, मैं भी अल्जारी जोसेफ वाले मूव से थोड़ा सहमत भी हो सकता हूँ कि अल्जारी जोसेफ को आप दे दो और साथ में ओडिन स्मिथ आपको बैटिंग कवर करके देंगे ही 7-8 नंबर पर आके, जो उन्होंने वही, लॉकी फर्ग्यूसन का एक छोटा रिप्लेसमेंट लाया है ओडिन स्मिथ और के रूप में। हाँ वहां पर हम देख सकते हैं फिर नंबर 5 पर और 6 पर राहुल तेवतिया। तो ठीक है, उसमें से एक नंबर तो राहुल तेवतिया ने ले ही लिया, 5 नंबर समझो। उसके हाँ अलावा 6 नंबर पे साय सुदर्शन या फिर नहीं, साई सुदर्शन अगर आप खिलाओगे ना तो उनको ऊपर बल्लेबाजी देनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि साई सुदर्शन को नंबर 6 पे बैटिंग मिल रही, मतलब अभी अभिनव मनोहर इज दी ओनली ऑप्शन जिसके साथ आप जा सकते हो, क्योंकि उन्होंने फिनिशिंग की है और एक फिनिशर है, नून फिनिशर है गुजरात के लिए, एक टीम ने बहुत ट्राई भी किया है उनके ऊपर। और ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन है ऑप्शंस में। यस भरत है, मैथ्यू वेट, उसके अलावा मैथ्यू वेट तो चलिए फॉरेनर हो गए, यस भरत, विजय साई शंकर। सुदर्शन, हाँ विजय शंकर, साई सुदर्शन, केएस भरत और अभिनव मनोहर, ये 4 में से आपको एक खिलाना है। बहुत लोग केएस भरत के साथ भी जा सकते हैं, बट आई डाउट कि केएस भरत नंबर 6 पे राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल हिट लग, हमने छक्के मारने की काबिलियत देखी है केएस भरत से, लेकिन 6 नंबर पे आके पहली गेंद से अटैक करने की काबिलियत नहीं देखी है अभी तक हमने केएस भरत की, तो इस अबिलिटी पे आई और थिंक थोड़ा वो है प्रश्न चिन्ह है। कौन है बाहर, साई नहीं किशोर साई किशोर तो एक लेफ्ट आर्म बॉलर हो गए, तो आप उनके साथ बैटिंग का एक्सपेक्टेशन लेके ही ना चलिए। ऑलराउंडर तो शायद बल्लेबाजी भी करते हैं ऐसा मैंने सुना नहीं, था। नहीं 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 करते बल्लेबाजी नहीं करते वो, जब आते हैं तमिलनाडु की टीम से तो 10 नंबर पे बैटिंग मिलती है उनको, तो आप समझ सकते हैं कि बैटर तो है वो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो फिर आपके पास ऑप्शन यही है, केएस भरत, विजय शंकर,
जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप एक ऑलराउंडर खिलाना चाहते हो तो प्रॉब्ली यू कैन गो विद विजय शंकर, पर मुझे लगता है कि अभिनव मनोहर के साथ जाना परफेक्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि अभिनव मनोहर ने लगातार हिटिंग करके दिखाया है। वो कर्नाटका के लिए भी फिनिश करते हैं, गुजरात के लिए भी खेलते थे, तब पहले पिछले बार जब खेले थे तो फिनिशिंग करके दिखाया था उन्होंने मैचेस। एक मैच मुझे याद है डेविड मिलर के साथ उन्होंने साथ भी दिया था बहुत अच्छे से, एक मैच हार्दिक जी पांड्या के साथ बिल्कुल, साथ देकर उन्होंने जिताया था, और एक बार खुद ही फिनिश किया था। कुछ बहुत तेज इनिंग खेली थी, कुछ 15-20 बॉलों में 30-40 रन बनाए थे उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अभिनव मनोहर इज दी ओनली ऑप्शन विच गुजरात टाइटन मस्ट गो विथ। और उसके तो अलावा देखे अभिनव तो मनोहर, राहुल तेवतिया, ये हो गए 6 बल्लेबाज। उसके अलावा हाँ राशिद खान और ऑडियन स्मिथ जी हाँ, आराम ये से, आपके दो फास्ट बॉलर हो गए, ये दो बॉलर हो ही गए आपके, कंफर्म पकड़ लीजिए। मोहम्मद शमी, आराम यश से जायसवाल आठ के दो फास्ट बॉलर हो गए, मोहम्मद शमी, शिवम मावी और साथ में यश अलजारी दयाल जोसफ। या अल्जारी जोसफ या यश दयाल। शिवम मामी को खिलाएंगे खिलाएंगे क्योंकि इतना महंगा दिया है, तो शायद यश दयाल को पहले मैच में मौका ना ही मिले। हाँ, तो अलजराज जोसफ, मोहम्मद शमी और शुभमन गिल, ये माफ कीजिए शिवम मावी, शिवम शिवम मांगी, मावी। तो जिस प्लेयर के साथ जाते हैं तो 11 नंबर का पैकेज मिलती है। जी हाँ, जी अल्जारी जोसफ बैटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। राशिद खान एक प्रॉपर मावी बैट भी खड़ी कहते समझ हैं। लीजिए। जी हाँ बॉल, और अब देख सकते हैं कि 11 अगर ऑप्शंस देखें तो उसमें आपके गेंदबाजी के ऑप्शंस देख लीजिए। हार्दिक गेंदबाज है, राहुल तेवतिया गेंदबाजी कर रहे हैं, आपके पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स में ओडिन स्मिथ हैं, अल्जारी जोसफ है, शिवम मावी। आप मोहम्मद शमी को भी खिलाएंगे दोस्तों, तो क्या शिवम मावी खेलेंगे? मैंने कहा ना, मोहम्मद शमी, शिवम मावी और अल्जारी साथ में जोसफ, अलजारी जोसफ। हाँ तो आप देख सकते हैं। तो अगेन मोहम्मद शमी, अल्जारी जोसफ और शिवम मावी, ये तीन प्रॉपर तेज गेंदबाज आपके लिए। चौथे फास्ट बॉलर के ऑप्शन में हार्दिक पांड्या है, राशिद खान, राहुल तेवतिया आपके दो बेहतरीन स्पिनर है, ओडिन स्मिथ भी एक फास्ट बॉलर है। तो अगेन बिल्कुल, 7 बॉलिंग ऑप्शन हार्दिक पांड्या रखते हैं, और आठवां ओकेजनली शुभमन गिल को हमने टेस्ट मैच में बॉलिंग करते हुए देखा शायद हमने है। ऑडियंस स्मिथ, शायद हमने ऑडियंस स्मिथ को मिस किया नहीं, गेम ओडिन 11 स्मिथ तो मिस नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, राशिद खान ओडिन स्मिथ हमने बोला है, में। नहीं तो नहीं नहीं जैसे प्लेइंग बोला 11 में मिस है किया ब्रो, है अमोल जी, नहीं, क्योंकि बोला है ब्रो, बोला है, देखिए, बोला है, नहीं हमने नहीं बोला है राशिद खान ओडिन एक स्मिथ बार बोला हम, है। नहीं नहीं एक बार हम प्लेइंग 11 देख देख लेते लेते हैं। हैं, शुभमन हाँ गिल, देख रिद्धिमान लेते हैं। साहा, शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, उसके अलावा नंबर 4 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 5 केएस पर भरत और राहुल राहुल सॉरी अभिनव मनोहर और राहुल तेवतिया, ये आपके 6 बैटर हो गए। तेवतिया 6, और उसके राशिद अलावा खान, ओडिन स्मिथ, मोहम्मद शमी, शिवम मावी, अल्जारी जोसफ, ये हो गया आपके 11। हमने पूरी प्लेइंग 11 बिल्कुल ऐसे ही बनाई, तो हमने प्लेइंग बिल्कुल 11 में एक बार वापस बोल ही दिया, तो हमने 2 बार। तो जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप नजर आ रही है, मुझे जो देख के लग रहा है बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, अच्छे सारे ऑप्शंस है, पर एक कमी जो मुझे लग रहा है कि कमी है, वीकनेसेस जी। पूरे इनके सीजन भर डेविड सबसे मिलर के पहले मैं अलावा। बताता हूँ, सबसे पहले मैं हाँ आपको जो कमी बताता हूँ, नए हाँ गेंद से गेंदबाजी करना शामी के अलावा जो सपोर्ट है मिलता था लॉकी फर्गसन के साथ, वो सपोर्ट जो है शामी को नहीं, देखिए नई गेंद उतना से तो नहीं आपके मिलेगा। पास, नहीं, नई गेंद से तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास अल्जारी जोसफ एक कर प्रॉपर सकते ब्लू हैं, पर बॉल बॉलर है, लॉकी अल्जारी फर्गसन जोसफ, एक नहीं, एक्सपीरियंस के अल्जारी हिसाब से आप जोसफ के पास देखिएगा। भी एक्सपीरियंस था, पर हाँ एक्स्ट्रा पेस की कमी जो रहेगी, एक्स्ट्रा पेस, अतिरिक्त गति जो लॉकी फर्ग्यूसन के पास थी वो आपके पास नहीं रहेगी। हालांकि नई जो गेंद लॉकी से फर्गसन आपको, के आप अतिरिक्त गति, एक्स्ट्रा पेस और एक्सपीरियंस देखते थे, अलजारी जोसेफ से भी ज्यादा और एक एक्सपीरियंस। चीज, हाँ और एक चीज है कि अल्जारी जोसफ चारों फॉर्मेट में, लॉकी फर्ग्यूसन चारों दिशा में, और मतलब चारों मेन पीरियड में, तीनों मेन पीरियड में, आप मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करा दीजिए, नई गेंद से बॉलिंग करा दीजिए, डेथ में बॉलिंग करा दीजिए, बिल्कुल शामी, अल्जारी जोसफ और लॉकी फर्ग्यूसन तीनों ऐसे गेंदबाज है कि वो तीनों आपके तीनों सिचुएशन में बॉलिंग करके दे देते दे थे। नहीं, मुझे पर नहीं यहाँ लगता फिर ये अलजारी है जोसफ कि उतने इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। हाँ अल्जारी जोसफ को देखो, अल्जारी जोसफ को स्लो पिचेस में विकेट्स मिलती हैं, समस्या ये है कि एक्स्ट्रा गति का जो सीन है वो अल्जारी जोसफ के पास है नहीं, वो विकेट क्रिएशन के लिए। हालांकि नई गेंद से बिल्कुल उनको भी मदद मिलती है, स्विंग है, और पिछले कुछ टाइम से वेस्ट इंडीज के मुख्य गेंदबाज के तरह से उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो आई वुड बिल्कुल से कि अल्जारी जोसफ हाई इन कॉन्फिडेंस होंगे, और नई गेंद से शमी को सपोर्ट तो दे सकते हैं, बट हाँ मिडल ओवर्स में अल्जारी जोसफ गेंदबाजी नहीं कर सकते, वो बीच में आपको जब विकेट चाहिए रहती है तो अल्जारी जोसफ के पास, ऐसा नहीं है कि कैप्टन जा सकते हैं, वो लग्जरी बाहर हम और ऑप्शन फाइटिंग वो हार्दिक पांड्या को रोल प्ले करना पड़ेगा। बाहर हम और ऑप्शंस देख लेते गेंदबाजी के।
बाहर यश दयाल है, मोहित शर्मा और दर्शन दर्शन नालकंदे, मार्कंडे, साई किशोर, नूर आर अहमद साई है, साई किशोर, किशोर है, नूर अहमद साई किशोर है, अगेन नूर बहुत अहमद, ज्यादा बिल्कुल। दोनों यंग स्पिनर्स है दोनों ही। अः मुझे लगता है नई गेंद से गेंदबाजी का प्रश्न है, हार्दिक पांड्या तो नए शुरुआत में गेंदबाजी करते हैं। हाँ नहीं, नई गेंद से मुझे ऐसा नहीं है आकाश भाई कि हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ेगी। शामी और अल्जारी जोसफ दो 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 ओवर्स परफेक्टली डाल सकते हैं पावर प्ले में। रही बात मिडिल ओवर में, तो ओडिन स्मिथ और हार्दिक पांड्या वो दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको मिडिल ओवर में कवर करके देंगे। बॉलिंग लाइनअप मुझे ऑल सॉर्टेड नजर आती है। मुझे बैटिंग का प्रश्न है कि डेविड मिलर के अलावा देख लीजिए आप 5-6 नंबर पर, आप राहुल तेवतिया को आप ट्रस्ट कर रहे हो कि 6 नंबर पे बैटिंग करके वो फिनिशिंग करे। अगर एक मैच राजस्थान वाला, वो पंजाब वाला गेम अगर आपको याद हो, शेल्डन कॉटरेल वाला ओवर, उसके अलावा देखें तो राहुल तेवतिया ने उतना बहुत कंट्रीब्यूट किया नहीं है। अगर हम देखें फिनिशिंग में ज्यादा, मतलब ऐसे है कि सिचुएशन सपोज चेन्नई के साथ है, दीपक चहर नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं और आपने 10 पे 5 खो दिए या 20 पे 5 हो गए, कभी होना ऐसा सिचुएशन, पर अगर 20 पे 5 हो गए तो क्या राहुल तेवतिया और अभिनव मनोहर पे आप भरोसा करते हैं कि वो आपकी पारी को उस सिचुएशन से 150, 160, 170 तक पहुंचाए, जैसा कि डेविड मिलर ने किया था अगर आपको याद हो तो, कि 20 पे 5 थे, गुजरात टाइटंस बहुत मुश्किलों में थे, वहां पे डेविड मिलर आए, उन्होंने पूरा मैच अकेले के दम पे जिता दिया। तो अगेन वो एक चीन होना, वो एक सीन होना, मतलब बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, लेकिन क्या साथ पांच छह में नंबर हार्दिक पे? पांड्या हाँ भी थे उनके। हाँ डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, राशिद खान ने आके कुछ अच्छा फिनिश कर दिया था, तो वो दो तीन चीजें सीन सही रहती है, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। पर प्रॉब्लम वही है कि परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा यहाँ पे उन लोगों को, कि क्या आप राहुल तेवतिया पे भरोसा कर रहे हैं नंबर 6 पे आके कि वो अच्छी बैटिंग करके दे, 40-50, 60-70 लंबी इनिंग खेल के दे? मुझे लगता है आई डाउट कि ऐसा हो। पूरे सीजन भर में आपको ये कमियां खलेंगी। अगेन उसके अलावा देखे तो मुझे कुछ ज्यादा ऐसी कमी मुझे नजर तो नहीं लग आ रहा रही है जो पिछली बार राहुल कमजोर वाली। थी उससे बेहतर बन गई, बेहतर लग रही मुझे पिछले साल से। अगर टीम देखे पिछले साल से बड़े बेहतर लग रहे हैं, हाँ क्योंकि पिछले पिछले साल साल से कमजोर थी बेहतर लेकिन लग रही है। कमजोर हाँ थी। हाँ पिछले साल हमें एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश थी, इस बार हमें कोई इशू नहीं रहा। पिछले ओपनिंग सीजन में थोड़ा कॉम्बिनेशन गुजरात के ज्यादा पास सॉर्टेड है, टॉप 3 सॉर्टेड है। केन विलियमसन का बीच में आना, नंबर 3 की जो प्रॉब्लम नजर आ रही थी गुजरात टाइटन्स में, वो तो वो नंबर तीन मुझे की पोजीशन लगता की है कि बात वो खत्म केन हो। विलियमसन आने से कमी हो कर जाएंगे, बिल्कुल। हाँ वो और जो नंबर 3 की पोजीशन है वो उन्होंने सॉर्टेड कर दिया है, उसके अलावा मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं है। तो अब हम चेन्नई सुपर किंग्स तक जा सकते हैं। मुझे लगता है जो चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, मौके के लिए, जैसा कि मैंने बोला कि 20 पे 5 पे अगर राहुल तेवतिया ने 70 रन बना दिए उसके सपोज, तो अलावा उनके लिए बहुत आगे ज्यादा देखे मौका तो एक रहेगा। और यहाँ पर बात बताऊँ आपको, जयंत यादव जैसे ऑफ स्पिनर है और उनको खिला सकते हाँ हैं जयंत यहाँ यादव पर को आप खिला सकते हैं, मीडियम। बिल्कुल ऑफ कोर्स जयंत यादव को आप राहुल तेवतिया की जगह खिला सकते हैं अगेन फॉर अ फर्स्ट गेम, क्योंकि सिचुएशन ये रहेगा कि जयंत यादव के पास एक तो एक्सपीरियंस है, उसके अलावा देखिए जयंत यादव की बैटिंग एबिलिटीज हम जानते हैं कि उन्होंने नंबर 8-9 पे आके टेस्ट मैचेस में शतक जड़े हैं, तो दैट इन द सेंस कि हम बोल सकते हैं कि जयंत यादव वो पारी संभालने के लायक है। पर अगेन वो तो गुजरात आगे वाली टीम के मैनेजमेंट के पास भी ऊपर, लेफ्ट हैंडर पर है, अपोजिशन टीम के पास ज्यादा लेफ्ट हैंडर अगर यदि होते हैं तो ही वो इतने रिस्क लेंगे, वरना तो मुझे मुझे लगता नहीं है भी, हम लगता। देखे आप देखे मिडिल ऑर्डर में तो लेफ्ट हैंडर है भी, अगर हम देखे ऋतुराज गायकवाड़ और धोनी, डेवन कॉनवे और ये चार, ये तीन चार राइट हैंडर छोड़ दे, जडेजा, मोइन अली, बेन स्टोक्स, आपके पास लेफ्ट हैंडर्स की कमी नहीं है, तो विच से कि हो भी सकता है, पता नहीं, कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि डेविन कॉनवे लेफ्ट देखे हैंडर है जी। हाँ डेवन कॉनवे, तो जो आपने बोला कि चार लेफ्ट हैंडर्स आपके पास सीधा स्ट्रेट इन द टॉप नजर आते हैं, चार चार लेफ्ट हैंडर है, डेवन कॉनवे है, मोइन अली है, ये रविंद्र जडेजा है, ये बेन स्टोक्स है, तो ये आपके पास चार चार लेफ्ट हैंडर्स हैं बीच में जो शिवम दुबे को शिवम यदि खिलाते हैं तो शिवम दुबे दुबे हैं, शिवम को दुबे हैं, तो पांच पांच लेफ्ट हैंडर्स है, उस वजह से जो सिचुएशन है वो काफी ट्रिकी हो सकता है। मुझे लगता है कि उस वजह से ऑफ स्पिनर का खेलना, क्योंकि दो दो लेग स्पिनर आप खिलाएंगे फिर राहुल तेवतिया और राशिद खान के बीच में, और स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा कमजोर है, राशिद खान के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, ये दिख रहा है साफ साफ गुजरात जायंट्स का। तो ये मुझे लगता है दो तीन जो चुनौतियां हैं कि राशिद खान के अलावा कोई और हो सकता है ताकत के रूप में, अपॉर्चुनिटीज के रूप में बहुत बड़े मौके हैं इस साल। मुझे लगता है अगर आर साई किशोर को आपने ज्यादा खिलाया तो वो बहुत बड़ा नाम भर के निकलेंगे, और मुझे लगता है उनको ज्यादा चांसेस देने चाहिए लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में। मुझे अभी भरोसा नहीं है कि देंगे, पर देना चाहिए। ये दो तीन जो अपॉर्चुनिटीज वाले चीजें हमने क्लब समअप की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ चले फिर। बिल्कुल।
तो चेन्नई सुपर किंग्स के अगर हम स्क्वाड में बात करें तो फिर आपको पता ही होगा सबसे बेहतरीन बाय जो चेन्नई हां ऋतुराज गायकवाड़ देवन कॉनवे जी हां बेन स्टोक्स देवन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ एमएस धोनी उसके अलावा अंबाती रायडू मोइन अली और दीपक चहर महेश तिक्षणा और एक और श्रीलंकन फास्ट बॉलर है थेरा मैं नाम भूल रहा प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है यार वो श्रीलंकन नाम है दोस्तों उसके लिए मुझे माफ कर देना आप फोटो को जूम इन करके नाम वापस पढ़ लेना है ना वो थोड़ा अलग नाम है तो मैं इनके पास लेफ्ट हैंडर और एक मिचेल सैंटनर भी है सैंटनर है और वेल बॉलिंग में भी आप दीप अब देख सकते हैं कि तुषार देशपांडे मिलेंगे आपको मिलेंगे हंगारीकर ड्वेन प्रिटोरिया से रहेंगे यंग खिलाड़ी के रूप में राजवर्धन हंगारीकर आपको मिलेंगे मैं एक चीज बता दूं आपको मुकेश चौधरी भी है इनके स्क्वाड में लेकिन वो बाहर हो चुके हैं इस सीजन हां तो मुकेश चौधरी इस सीजन में आपको आईपीएल से रूल्ड आउट नजर आ रहे जो आपकी हमें पलाश भाई ने अपडेट दे दी है उसके अलावा कोई सिमरजीत सिंह जो एक खिलाड़ी है काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था इस साल आईपीएल में वो भी आपको नजर आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में ड्वेन प्रिटोरिया जैसे कि मैंने बोला है वो भी नजर आएंगे बस साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं तो अवेलेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है एंगीडी भी क्या इनके स्क्वाड में है नहीं 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 एंगीडी नहीं है हाँ एंगीडी उनके पास नहीं है तो ये सिचुएशन इस समय तो काफी अच्छा बॉलिंग बैटिंग दोनों अटैक है चेन्नई सुपर किंग्स के पास अगर हम प्लेइंग 11 पे जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ साथ में है डेविन कॉनवे फिर बेन स्टोक्स मोइन अली रायडू धोनी जडेजा सात आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है बेहतरीन ऑप्शंस है उसके बाद देखें तो चार और पर अगर हम फिल करने के दीपक चहर लेंगे महेश तिक्षणा आपको लेंगे उसके बाद दो ऑप्शन के रूप में आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों है कि नहीं बाद में आप देखो तो दीपक चहर और महेश तिक्षणा के बाद सिमरजीत सिंह और या तो आप तुषार देशपांडे के साथ जाओ या फिर आप किसी फॉरेनर को उठाना पड़ेगा आपको ये सिचुएशन हो जाएगा फॉरेनर को उठा नहीं सकते हाँ तो फॉरेनर का आपने स्क्वाड बता दिया तो मुझे लगता है कि तुषार देशपांडे और सिमरजीत खेलेंगे या कोई और आप ऑप्शन के रूप में जाओ बाहर देखो तो कोई ज्यादा और ऑप्शन नजर आपके पास है नहीं साथ ये शुभम देव को ले सकते हैं बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हैं हाँ वो भी हो सकता है शिवम दुबे हाँ शिवम दुबे को ले सकते हैं शिवम दुबे पर फिर वही है कि आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग हो जाएगा नंबर 9 तक फिर सिचुएशन अच्छी रहेगी बॉलिंग में भी डेप्थ रहेगा पर फास्ट बॉलिंग में बैटिंग में भी डेप्थ तो बैटिंग में और बॉलिंग में भी डेप्थ तो चैलेंजेस की अगर हम अभी हम सबसे पहले हम सबके पहले हम देखें तो स्ट्रेंथ क्या कमजोर ताकत क्या है तो बहुत सारे ऑलराउंडर सबसे बड़ी ताकत है चेन्नई सुपर किंग्स की वो रही भी है जब तक धोनी रहते हैं तब तक वो बहुत सारे ऑलराउंडर्स खिलाना पसंद करते हैं अपने स्क्वाड भर में पूरी टीम में तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है धोनी की कप्तानी में खासियत है वो ज्यादा से ज्यादा अपने पास ज्यादा ऑप्शन रखना विकल्प रखना पसंद करते हैं ताकि वो मनूवर कर सके बॉलर्स को उसके अलावा देखे तो कोई ज्यादा ऑप्शन नजर आपको ऑलराउंडर देखे फास्ट बॉलिंग में ठीक ठाक है डेप्थ है बैकअप भी अच्छा ढूंढ के रखा है और खासकर चेन्नई को मद्देनजर करते हुए चेपॉक को नजर करते हुए ये पेज बनाई है तो जब वो अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे तब तो इनको हराना ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और अवे ग्राउंड में जहाँ पे वानखेड़े जैसे स्टेडियम में वहां पे उनको थोड़ा शायद हराया जा सकता है क्योंकि आपके पास से एक फास्ट अच्छे ऐसे गेंदबाज ने अल्टीमेट 140 डालने वाले वो एक स्थिति जो वो एक खराब चीज वो है तो चेन्नई में मुझे कमजोरी नजर आती है बाकी अगेन इस बार यंगस्टर्स भी काफी नजर आए हैं क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि एजेड क्रिकेटर्स ही ज्यादा नजर आए इस बार इन्होंने एक कमी को अपने मतलब भर लिया है काफी युवा खिलाड़ी भी आपको प्लेइंग 11 में या फिर पूरे स्क्वाड में देखने नजर आएंगे तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी और पूरे 25 खिलाड़ी इन्होंने फिल कर दिए भर दिए हैं स्क्वाड में जिसमें अजिंक्य रहाणे को भी देख सकते हैं स्क्वाड में आपको वो भी नजर आएंगे एज अ बैकअप ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के शायद वो बैकअप रहेंगे अगर ऋतुराज गायकवाड़ जी जी तो ऋतुराज गायकवाड़ के बैकअप ओपनर के रूप में वो रह सकते हैं अजिंक्य रहाणे तो वो एक सीन है बाकी उसके अलावा मुझे लगता है कि टीम ठीक ठाक बनाई है चेन्नई को मद्देनजर रखते हुए बनाई है उनके होम ग्राउंड में उन्हें हराना मुश्किल है और ऑलराउंडर स्पिनर भी ज्यादा है इनके पास ऑलराउंड स्पिनर भी ज्यादा है और एक कमी महेश तिक्षणा के अलावा आपके पास कोई ऐसा लेग स्पिनर नहीं है अल्टीमेट लेग स्पिनर जो कि आपको बाहर के मतलब
बाहर ग्राउंड्स में, जैसे कि आप चिन्ना स्वामी उठा के ले लो, वानखेड़े उठा के ले लो, वहां पे जाके मैच जिता सके, सीन वो है। तो मुझे लगता है कि उनके होम ग्राउंड में तो वो बेट करेंगे कि 9-18, अगर आप देखें 10 टीमें हैं, 18 मैचेस है, 9 मैचेस आपको, मतलब 9 मैचेस आपको होम ग्राउंड में मिलने वाले, तो कंफर्म 9 में से कम 7 गेम्स तो चेन्नई उठाना चाहेगी। 14 मुकाबले एक टीम को, 14 जी यार मुझे 14 मुकाबले खेलना है एक टीम को, पिछले साल का ही फॉर्मेट है। हाँ, हालांकि 52 दिनों का ये रहने वाला है पूरा सीजन। तो जी हाँ, फॉर्मेट वही है, 14 है, 7 मैचेस हर टीम को अपने घर में खेलने हैं, जिसमें से 7 में से कम 5-6 चेन्नई जीतना चाहेगा अपने घर में, और फिर एक दो मैचेस जैसे जयपुर और कोटला जैसे ग्राउंड है जो उनको सूट कर रहे हैं, वहां पे अपने मैचेस जीत के वो प्लेऑफ्स में बनाना चाहेंगे अपनी जगह। पर मुझे ये लग रहा है कि सिचुएशन यही है, स्थिति थोड़ी चेन्नई की दावा डोल है बाहर के ग्राउंड में खेलने के लिए। तो ये एक समअप करते हैं, वीडियो को खत्म कर देते हैं दोस्तों इसी के साथ, ज्यादा कुछ हमने बहुत लंबा वीडियो बना दिया है, बहुत ज्यादा लंबा बना दिया है। हाँ, मुझे लगता है आप किस पोजीशन पर देख रहे हैं इस साल आईपीएल के एंड में चेन्नई को? चेन्नई को मुझे लगता है कि 4th पोजीशन पे, मेरे को लगता है कि वो प्लेऑफ्स में चले जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, जो धोनी अपना मंत्र जो धोनी अपना मंत्र लगाते हैं, जो धोनी अपना मंत्र लगाते हैं वो इस बार भी लग जाएगा शायद, पिछली बार नहीं लगा। मुश्किल है इस बार, मुझे लगता है इस बार थोड़ा मुश्किल है चेन्नई का प्लेऑफ्स में जाना। डिपेंडेंट चैंपियन गुजरात टाइटंस टीम बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बेहतरीन पोजीशन ले सकती है। मुझे नहीं लग रहा कि इस बार प्लेऑफ में पहुंचेगी। नहीं नहीं नहीं, प्लेऑफ में जाएंगे, पर मुझे ये नहीं लग रहा है कि टाइटल उठा सकते हैं दोबारा। मुझे नहीं लग रहा कि प्लेऑफ में ही जाएगी, शायद मुश्किल हो सकती है इस बार। एक्चुअली मुझे लग रहा है इस बार ये अपना आईपीएल का सीजन नंबर 7 पर फिनिश करे। ओ भाई साहब, ये तो हमारे पास आकाश भाई आपने इस टीम की ओर से सबसे ज्यादा गिल बरसने वाले हैं इस बार। हाँ, गिल के ऊपर काफी निगाहें रहेगी, गिल के ऊपर काफी यहाँ पर नजरें, गिल वो एक बड़े खिलाड़ी बनने के तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे ही वो अपना परफॉर्मेंस करेंगे एक बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। तो चलिए खत्म करते हैं दोस्तों फिर, है कि नहीं? जी, बहुत बहुत।